नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम YouTube चैनल के लिए कैसे लिए जाएं। YouTube पर आपने ढेरों वीडियो देखी होंगी इसको लेकर, उसमें आपने कई बार देखा होगा झूठ झूठ और झूठ। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे एक महीने में, एक हफ्ते में, एक दिन में, कई तो यहाँ तक कहते हैं कि चुटकी बजाते ही हम दिला देंगे, चुटकी बजाते ही आपको मिल जाएंगे। आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को बजा लीजिए, क्योंकि यही वो चैनल है जहाँ आपको YouTube से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी, वो भी सच 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 के सिवा कुछ नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। हम सभी यूट्यूबर चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं और 4000 व्यू, मतलब 4000 घंटे मिल जाए हमारे को, तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। लेकिन हम इसके चक्कर में कई गलतियां कर बैठते हैं, और वो गलतियां क्या होती हैं जिन गलतियों के कारण हमारा चैनल घंटों के करीब पहुंचते पहुंचते फिर वापस हम उसी शुरू से शुरू हो जाते हैं, फिर जीरो से शुरू हो जाते हैं। उसमें कई गलतियां हैं, वो गलतियां तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्या गलतियां रहती हैं और वो क्या गलतियां नहीं करनी हमें। लेकिन मैं आज वो बता रहा हूं कि मोनेटाइज करने के लिए लोग कहते हैं कि एक दिन में, दो दिन में, चार दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में आपको 4000 घंटे मिल जाएंगे, सब्सक्राइबर 1000 मिल जाएंगे। तो ये कई इस तरह की वीडियो आती हैं, उसमें तमाम झूठी बातें होती हैं और झूठ झूठ झूठ। मैं आपको जो इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, मैं सत्य बताना चाहता हूँ, एकदम सच बताना चाहता हूँ, ताकि कल आप इस YouTube चैनल से निराश ना हो, इसको छोड़ के भागे नहीं। क्योंकि कई यूट्यूबर कुछ दिन बाद भाग जाते हैं। मोनेटाइज के बाद भी संघर्ष होता है, क्या संघर्ष होता है वो मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में। लेकिन मैं आज आपको मोनेटाइज का जो तरीका है, वो मोनेटाइज कैसे होंगे, उस पर बात कर रहे हैं कि 1000 सब्सक्राइबर की टेंशन मत करो सबसे पहले। क्योंकि अगर जब आपके 4000 घंटे पूरे होंगे तो 1000 सब्सक्राइबर क्या आपके 2000 सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा हो चुके होंगे। अब आपने 4000 घंटे कैसे पूरे करने, इसका मैं आपको जो बता रहा हूँ कि जो भी आपने वीडियो बनानी है, अपनी वीडियो बनानी है, ओरिजिनल वीडियो बनानी है, कहीं से कॉपी नहीं करनी, कहीं से चोरी नहीं करनी, और आपने जो वीडियो बनानी है वो किसी ना किसी ऐसे टॉपिक पे बनानी है जिसे पब्लिक खुद सर्च करे। जैसे बैंक का फार्म, मैं बता रहा हूँ बैंक का फार्म भरना है, कैसे भरना है, कौन से बैंक का फार्म कैसे भरा जाता है, राशन कार्ड का फार्म कैसे भरा जाता है, फेसबुक के ऊपर किस तरह काम किया जाता है, किस तरह फेसबुक के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी काम मिलती है, व्हाट्सएप पे क्या होता है, मतलब तमाम बहुत कुछ है। और कुछ लोग डिश बनाते हैं, कुछ खाने का रसोई वगैरह का सामान का डिश बना रहे हैं, तो उसमें काम कर रहे हैं कुछ, मतलब कोई भी एक फील्ड, दो फील्ड चुन लो आप, उस फील्ड के अंदर वो जानकारी की वीडियो बनाओ जिससे पब्लिक देखना चाहती है, जिस पर व्यू आएंगे। हम ऐसी वीडियो बना देते हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, या हम कहीं से चुरा के वीडियो लेते हैं, कहीं से फ़ोटो चुरा लेते हैं। फ़ोटो चुरा ली, एक बात ध्यान रख लेना, फ़ोटो चुरा ली आपने नेट से कहीं से, किसी की वीडियो चुरा ली, अगर उसकी वीडियो आप बनाओगे तो वो कॉपीराइट में आ जाएगी। आप घंटे पूरे कर भी लोगे तो वो वापस आप जीरो से शुरू होगे। तो यहाँ पर आपको जो गुमराह करते हैं लोग, उनसे बचना है। और 4000 घंटे या 4000 घंटे किस तरह आएंगे, ये आपको वीडियो तमाम तरह की आप खोल के देखोगे, सर्च करोगे, बहुत तरह की वीडियो मिलेगी आपको, और सब गुमराह कर रहे हैं आपको, सच कोई नहीं बता रहा। सच ये है कि यहाँ बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, 4000 घंटे यूं ही नहीं बन जाते। लेकिन अगर आप वीडियो बनाते रहोगे, आप ज़रूरी वीडियो बनाते रहोगे, पब्लिक की जानकारी की वीडियो बनाते रहोगे, पब्लिक को उससे कोई सहारा मिले या उनको देखकर उससे कुछ सीखने को मिले, ऐसी अगर वीडियो बनाते रहोगे तो उसके व्यू बढ़ेंगे, वो आपको खुद खोजते हुए आएंगे, आपको खुद सर्च करेंगे, यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, और आप वहाँ दिखने लगेंगे, लोग उसको देखेंगे और पूरी देखेंगे। अगर आपने 20 मिनट की बना रखी है, 25 मिनट की वीडियो बना रखी है, 30 मिनट की वीडियो बना रखी है, उसमें अगर कोई जानकारी है, उससे अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई बच्चा उसमें डिश बनाना सीख रहा है, कोई
कुछ कुछ सीख रहा है, कोई भी इतने फील्ड है, इतनी मतलब इतने विषय हैं, किसी भी विषय को पकड़ के उस पर काम करना शुरू करो। आप जैसे ही काम करना शुरू करोगे, आपकी वीडियो लंबी लंबी भी होंगी तो भी लोग देखेंगे, अपने आप घंटे बन जाएंगे कि 4000 घंटे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह बनेंगे। लेकिन सच पे चलना है, सच दिखाना है, अपनी वीडियो डालनी है और सही जानकारी डालनी है, झूठ कुछ नहीं डालना। जब आप ये करने लगोगे तो आपके 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे। और सब्सक्राइबर की चिंता बिल्कुल मत करो कि मेरे सब्सक्राइबर कम है, जैसे ही आपके घंटे बढ़ने लगेंगे लोग आपको सब्सक्राइब करने लगेंगे, लोग आपके फैन बन जाएंगे, लोग आपके चैनल को लगातार देखेंगे। तो यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपने जो भी चलना सच पे चलना, सच अपनी जो वीडियो बनानी खुद की वीडियो बनानी है, ताकि आपके जो घंटे हैं आगे आने वाले टाइम में जब मोनेटाइज होंगे तो वो स्कैन होगा अच्छी तरह, बहुत बारीकी से स्कैन करेगा यूट्यूब आपको। जब आपके चैनल को स्कैन बहुत बारीकी से करेगा तो उसमें कॉपीराइट कंटेंट आ जाएंगे, कॉपीराइट में फंस जाओगे और फिर वो सारे घंटे कट जाएंगे, आपकी करी कराई मेहनत में पानी फिर जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी घंटे दिलवा नहीं सकता, आपको अपनी मेहनत से मिलेंगे। और मोनेटाइज होने के बाद क्या संघर्ष है, मोनेटाइज होने के बाद जब आपने 4000 घंटे पूरे कर लिए, 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे कर लिए, उसके बाद क्या संघर्ष है, उसके बाद ही पैसा। आप कहीं सोच रहे हो कि ये करते ही आपके ऊपर डॉलर की बरसात होने लगेगी, बिल्कुल झूठ है। आपको उसके बाद काम शुरू होता है आपका, उसके बाद संघर्ष करना शुरू होता है। तो वो क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ चलना है कि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आप झूठ का सहारा ना लें, और जितने भी तमाम ये फर्जी कि इतने हज़ार घंटे हम दे देंगे, इतने हज़ार घंटे हमसे मिल जाएंगे, ये देखो इससे ऐसे हो जाएंगे, मैंने एक दिन में कर दिया, मैंने 7 दिन में कर दिया, मैंने 1 महीने में कर दिया, बिल्कुल कोरा झूठ है, बिल्कुल एकदम झूठ है। आपको सच पे चलना है और आप अपनी वीडियो बनाते रहिए। और हाँ, स्टूडेंट और जो भी स्टूडेंट इस पे काम कर रहे हैं या जिसका नौकरी है, उनके लिए मैं खास कर बताना चाहता हूँ कि अपनी पढ़ाई छोड़नी नहीं है। पढ़ाई छोड़ के अगर आप यूट्यूबर बन रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप अगर कोई नौकरी करते हो वहाँ से छोड़ के अगर यूट्यूबर बन रहे हो कि मुझे डॉलर में बड़ा जल्दी पैसा मिलने लगा, बिल्कुल गलती कर रहे हो, ऐसी गलती नहीं करनी है। आप अपनी पढ़ाई जारी रखना, आपने 2-3 घंटे अपने उस पर काम करना, सारे दिन सोचो कि मुझे क्या बनाना है, क्या टॉपिक होना चाहिए, मुझे क्या बताना है, वो सोचो, उसको डायरी करो, अपनी जेब में डायरी रखो, उसको तुरंत लिख लो, क्योंकि जो दिमाग में आता है लिख लो, उसको रख लो, बाद में कई बार नहीं आता, भूल जाते, तो वो रखते रहो पूरे दिन। आपने सोचा, मैं तो कहता हूँ रोज़ एक वीडियो बनाओ, लेकिन शाम को 2-3 घंटे इस पर काम करना है। आपने पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आपने अपना अगर कोई नौकरी है, अपनी व्यापार है, कोई बिजनेस है, उसको छोड़ना नहीं है यूट्यूब के चक्कर में। आपने जो आपके फालतू टाइम बचता है उसको शौक, एक पैशन, एक शौक है मेरा यूट्यूब, मैं यूट्यूबर हूँ, एक शौक के अगर अनुसार काम कर रहे हैं तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। और मेरा इस बात को आप बिल्कुल लिख लीजिए कि आपने अगर अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपनी नौकरी, अपना व्यापार छोड़ के यूट्यूब में पूरा टाइम देना शुरू कर दिया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप बहुत पछताओगे, क्योंकि पैसा यहाँ इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला। पैसा मिलेगा, समय आएगा तो मिलेगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मोनेटाइज के बाद भी संघर्ष है, क्या है, कैसे है, वो आपको आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा। आज इस वीडियो में इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।